ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेश्रमी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया। आप बताइए ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बेटी को बेटी है, उस बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनकी। और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेश्रमी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आज भी उनकी आदत छूटी नहीं, लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है, और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही। 17 के पहले जब इनकी सत्ता थी तब ये युवाओं के हकों में भी ऐसी रगेती डालते थे। याद करिए था हर नियुक्ति बीमारी होती थी, युवाओं के साथ अन्याय होता था, बिना पैसे में कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी और नौकरी में भी भेदभाव होता था, कोर्ट को न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। आप मैं कह सकता हूं 6.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी, लेकिन इसकी शुचिता और पारदर्शिता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दी है और आगे भी हम इस बात को कहेंगे कि चिंता मत करिए, गवर्नमेंट की भाजपा सरकार है, युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उस व्यक्ति का हम पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचारी हो या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति, बेटी और प्यारी की सुरक्षा के साथ सेल लगाने वाला कोई दुष्कर्मी, किसी ने भी अगर उत्तर प्रदेश को अराजकता का अड्डा बनाने का फिर से प्रयास किया तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए प्रदेश सरकार एक तरफ इन भर्तियों के साथ आपके लिए आई है, नौकरियां देने की तैयारी कर रही है, नए नए तरीके अपना रही है, रोजगार सृजन की नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है, कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की है, हमने तय किया है एक नई योजना लेकर के आए हैं। और मैं यहां के जो नौजवान उनसे भी कहूंगा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लेकर के आगे आ रही है, 10 लाख एमएसएमई यूनिट हम लगाने के लिए बड़ी कार्य योजना आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी युवा इसके साथ जुड़ना चाहेगा उसका प्रशिक्षण करवाने के साथ ही 5 लाख रुपए पहले चरण में ब्याज मुक्त ऋण उसको उपलब्ध करवाने का काम सरकार करेगी। ब्याज मुक्त, कोई इंटरेस्ट नहीं, डिजिटल पेमेंट के साथ हम उसको जोड़ेंगे। कैसे व्यवसाय होना है, 10 लाख एमएसएमई यूनिट लगेंगी और 10 लाख एमएसएमई यूनिट लगने के साथ ही 50 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी इसके माध्यम से होगी। यह योजना भी प्रदेश के अंदर हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो युवा स्नातक कर रहे हैं, प्रस्नातक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इन सबसे मैं कहूंगा कि हर स्नातक के लिए डिप्लोमा धारी के लिए सर्टिफिकेट कोर्स के लिए डिग्री धारी के लिए आपसे होता है कि फाइनल ईयर में वह अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जुड़े या अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करे।
हमने तय किया है ऐसे युवाओं को हम लोग इंप्लॉय करेंगे। इंप्लॉय करने के साथ उसको कहेंगे कि तुम्हें इस विषय पर अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है और प्रोजेक्ट वर्क पूरा करते समय उस युवाओं के रजिस्ट्रेशन के साथ हम उसकी स्टडी रिपोर्ट अपने आप प्राप्त करेंगे और उसको एक निश्चित मानदेय के साथ उस इकाई के साथ जोड़ने का काम करेंगे जिसमें आधा मानदेय इकाई देगी और आधा सरकार उसे उपलब्ध करवाएगी। वो वहां जब पढ़ाई करने के अंतिम वर्ष में जाएगा, अंतिम वर्ष में जाने के बाद फिर वह अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने माँ बाप पर तब आश्रित नहीं रहेगा। और बहनों भाइयों, इस स्कीम का भी लाभ लेने की आवश्यकता है। सरकार ने किसी भी उद्योगी परीक्षा की तैयारी के लिए वहां नीट की परीक्षा हो, आईआईटी जेईई की हो, एनटीए या सीटीएस की हो, बैंक के पीओ की हो या किसी भी अन्य विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए हर जनपद में हमने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की है। अभ्युदय कोचिंग वर्चुअली भी और फिजिकली भी आपको गाइडेंस करने का एक माध्यम बन रही है और मैं युवाओं से कहूंगा आप लोगों को उससे जुड़ना चाहिए। आज जितनी भी नौकरियां निकल रही है, नौकरियों में मैं देख रहा हूं अभ्युदय कोचिंग से निकल जो जिन छात्रों ने गाइडेंस ली है उन छात्रों का प्रतिशत काफी बढ़ा है, काफी नौजवानों ने उसके माध्यम से नौकरियां प्राप्त की है। एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े हैं और उसी उज्जवल भविष्य के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे इस मिल्की कुरुक्षेत्र में आपके बीच में, इस कुमारगंज में आपके बीच में